नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी बीते 13 महीने से भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा नहीं। धोनी ने बीते साल विश्व कप 2019 के सेमीफाइनल मुकाबले में कोई आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेला था और उसके बाद से वो भारतीय टीम में वापसी नहीं कर पाए। सवाल यह है कि आखिरकार क्या धोनी का भविष्य बचा है? क्या धोनी फिलहाल T20 वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं जो अगले साल तक स्थगित हो गया है, या फिर अब धोनी का करियर खत्म हो चुका है? कई दिग्गजों का यह कहना था कि महेंद्र सिंह धोनी का करियर अब उनके ही नजर में खत्म हो चुका है और वो खुद भी टीम में वापस नहीं आएंगे और वो आना नहीं चाहते। अगर उन्हें आना होता तो अब तक आ चुके होते। अब संजय मांजरेकर, जो भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर भी रह चुके हैं, उनका एक ऐसा बयान सामने आया है जो माही फैंस के मन में उम्मीदें जगा गया है। हालांकि आपको बता दें कि 19 सितंबर से हम महेंद्र सिंह धोनी को मैदान पर देखेंगे। बहुत जल्द वो सीएसके के कैंप में भी नजर आएंगे। लॉकडाउन की वजह से जो आईपीएल स्थगित कर दिया गया था वो 19 सितंबर से शुरू हो रहा है यूएई में, और पहला मैच ही मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स है। सवाल यह है कि क्या धोनी की वापसी होती, और अगर होगी तो किस अंदाज में होगी? क्या आईपीएल वो प्लेटफॉर्म है कि महेंद्र सिंह धोनी उससे वापसी कर पाएंगे, या फिर धोनी ने कुछ और ही सोच रखा है? क्योंकि ये कैप्टन कूल जो है ना, बड़े अनप्रेडिक्टेबल है। ये कब कौन सा ऐसा फैसला ले लेंगे किसी को समझ नहीं आएगा। टेस्ट क्रिकेट से उन्होंने अचानक संन्यास ले लिया, कप्तानी भी छोड़ दी, और उसके बाद अपने करियर को आगे बढ़ाया धीरे धीरे धीरे। जैसे जो ट्रांजिशंस हुए उस दौरान उन्होंने विराट कोहली को कप्तानी भी दे दी। लगा ही नहीं कि भैया टीम में कहीं कोई फूट की खबरें हैं या कुछ ऐसा है, कहीं पर भी नहीं लगा। जब उन्हें सही लगा उन्हें अपने हिसाब से फैसला लिया है। संजय मांजरेकर ने हाल ही में धोनी को लेकर एक बड़ा बयान दिया जिससे साफ जाहिर होता है कि अब आने वाले समय में बड़ा तूफान आने वाला है। या तो ये तूफान तबाही मचाएगा या तो ये तूफान एक चुपचाप से सन्नाटे में सिमट कर रह जाएगा। दरअसल ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मांजरेकर साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी से मैं विराट कोहली की शादी में मिला था और मेरी उनके रिटायरमेंट को लेकर बात हुई। तो उन्होंने मुझसे उस दौरान कहा था कि जब तक टीम इंडिया के अंदर सबसे तेज दौड़ने वाला शख्स या कोई भी खिलाड़ी हो, हार्दिक पांडे हो, विराट कोहली हो, कोई भी खिलाड़ी हो, वो मुझसे तेज होगा या मुझसे तेज दौड़ लगा देगा, तो तब तक मैं ही खेलूंगा। वरना अगर मुझे लगेगा कि मेरी फिटनेस उससे कम है, मैं उस दिन क्रिकेट छोड़ दूंगा। यानी कि बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि हमने पिछले साल देखा धोनी और हार्दिक पांड्या की एक वीडियो वायरल हुई थी रेस लगाते हुई, और उस वीडियो में धोनी काफी तेज नजर आ रहे थे। और फिटनेस के मामले में नो डाउट, चाहे उम्र के धोनी किसी भी पड़ाव पर हो, उनकी फिटनेस जो है वो काफी शानदार रही है। कई लोगों के लिए फिटनेस आइकन भी रहे, और फिटनेस जो टीम इंडिया में एक जो ट्रेंड लाना था वो महेंद्र सिंह धोनी ही लेकर आए। शायद यही वजह है कि धोनी ने मांजरेकर साहब से ये बात कही थी। अगर मांजरेकर की बात को हम सच मानते हैं तो फिर हम ये बात अंदाजा लगा सकते हैं कि आईपीएल के वो 14 मैच में धोनी को ये पता लग जाएगा कि वो क्रिकेट खेलने लायक बचे हैं, क्या उनमें वो क्रिकेट बाकी है, और क्या वो टीम इंडिया में वापसी कर सकते हैं। फिलहाल जेएससी स्टेडियम में धोनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, धीरे धीरे उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी है। अब वो चेन्नई सुपर किंग्स के कैंप में शामिल होंगे, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए चेन्नई रवाना होंगे उस टीम से मिलने के लिए, और उसके बाद फिर वो यूएई जाएंगे। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस जैसे होगी, हालांकि लॉकडाउन से पहले जब हमने मार्च में धोनी को प्रैक्टिस करते देखा था, उस दौरान धोनी लंबी लंबी हिटें मार रहे थे, ऐसा लगा ही नहीं कि वो लंबे समय बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं या फिर आईपीएल में वापसी कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि मांजरेकर का ये बयान क्या सच साबित होता है, क्योंकि उनका ये बयान साफ कह रहा है कि धोनी अगले साल T20 वर्ल्ड कप जरूर खेलेंगे। ये बात विराट शास्त्री भी कह चुके हैं कि इफ ही वॉन्ट्स टू प्ले ही कैन प्ले, ही विल बी अवेलेबल अगर हम चाहेंगे, और अगर धोनी चाहेंगे तो फिर हमारे लिए T20 वर्ल्ड कप में उन्हें खिलाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। वैसे भी धोनी की गैर मौजूदगी में अब तक ऋषभ पंत कोई बहुत ज्यादा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। केएल राहुल से टीम इंडिया काम चलवा रही है, लेकिन उस खिलाड़ी के करियर पर भी फिर सवाल या निशान लग जाएगा। उन्होंने हालांकि अभी तक अच्छा किया है। अब देखना होगा कि धोनी की वापसी किस तरीके से होगी। बहरहाल आपकी क्या राय है इस मामले को लेकर, हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल एएनपी न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।